चलिए बढ़ेंगे आगे। यूपी के विधान भवन को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी भरा फोन आया है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। मामला विधान भवन से जुड़ा हुआ था, इसलिए धमकी भरे फोन के बाद आनन फानन में बम निरोधक दस्ते के साथ सुरक्षा एजेंसियां और स्थानीय पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया। सुरक्षा बलों और संयुक्त तो पुलिस बल ने BDS की मदद से विधान भवन के चप्पे चप्पे पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। हालांकि इस दौरान किसी तरह का कोई भी आपत्तिजनक सामान सुरक्षा बलों को नहीं मिला है, जिसके बाद ये साफ हो गया है कि विधान भवन को बम से उड़ाने का जो धमकी भरा फोन आया था वो फर्जी था, जिसके बाद पुलिस की ओर से अज्ञात बदमाश के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में मामला दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि पहले भी विधान भवन को बम से उड़ाने की धमकी भरा फोन मिला था, फोन आया था, जिसके कुछ दिन बाद ही सत्र के दौरान संदिग्ध पाउडर मिला था। हालांकि जांच में ये साफ हो गया था कि ये संदिग्ध पाउडर कोई विस्फोटक नहीं बल्कि आम पाउडर ही था।